आज ये वीडियो थोड़ा अलग सा है बाकी वीडियो से। आज मैं आपसे पहले ही माफ़ी मांगता हूँ क्योंकि ये वीडियो हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो जाए। आपसे माफ़ी इसलिए मांगता हूँ क्योंकि हो सकता है आज इस वीडियो में मैं थोड़ा इमोशनल हो जाऊँ। मैं माफ़ी इसलिए मांगता हूँ क्योंकि ये वीडियो आज मैं सिर्फ एक टीचर की तरह नहीं, एक भाई की तरह अपने भाई और बहनों से करने वाला हूँ। तो यार, जो भी डिफेंस एस्पिरेंट है वो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा क्योंकि आपके जीवन से जुड़ी हुई एक ऐसी बात, एक ऐसी सच्चाई जिसको कैसे लेना चाहिए और कैसे आप लेते हो उसके बारे में बात करने वाला हूँ। सही समझ रहे हो आप? तो यार, NDA हो, CDS हो, FCAT हो, AF, जब इन सब इंट्रीज के बाद बच्चा रिटर्न क्वालिफाई करता है और रिटर्न क्वालिफाई करने के बाद SSB की तैयारी शुरू करता है, तो SSB की तैयारी के लिए मैं बात कर रहा हूँ अपने ऐसे बच्चों की जो स्टेट बोर्ड के पढ़े हुए, हिंदी इंग्लिश थोड़ा सा दिक्कत, कॉन्फिडेंस की थोड़ी सी बहुत दिक्कत, ऐसे बच्चे तो जिन्होंने अभी बहुत मेहनत के साथ NDA क्वालिफाई किया था, जिन बच्चों ने अभी पूरी जान लगा दी थी NDA को क्वालिफाई करने के लिए और क्वालिफाई कर भी लिया था, बहुत मेहनत किया और क्वालिफाई किया NDA एग्ज़ाम या CDS एग्ज़ाम या कोई भी एग्ज़ाम, वो एग्ज़ाम जिसके इतने सारे कॉम्पिटिटर्स हैं सबको पिछाड़ कर और एक बहुत खुशी के साथ उस बच्चे ने क्वालिफाई किया है। अभी खुश हो ही रहा था कि उतने में उसका दोस्त आता है, कहता भाई रिटर्न तो हो गया, खुश क्यों है, अभी SSB है। यहीं से शुरू होता है असली ट्रैप, यहीं से शुरू होती है कहानी की शुरुआत, जिस कहानी को आज मैं आपको पूरा सुनाऊंगा। ये वीडियो हो सकता है कुछ लोग मेरी बातों से इत्तेफाक ना रखें, तो मैं उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ आप इस वीडियो को मत देखें। पर ये वीडियो बनाना इसलिए ज़रूरी है बिकॉज मेरे बहुत सारे बच्चे SSB से स्क्रीन आउट होते हैं, कॉन्फ्रेंस आउट होते हैं, मेडिकल आउट, मेरिट आउट भी होते हैं, हाँ कुछ मेरिट इन भी होते हैं, रिकमेंड भी होते हैं, पर उनके बारे में तो यार पूरी दुनिया बात करती है। हर एक बच्चे के बारे में जो रिकमेंड हुआ, सक्सेस मिली, उसके पीछे खड़े होने के लिए, उसको शाबाशी देने के लिए बहुत लोग हैं। मैं कोई बात नहीं करता उन बच्चों की जो सक्सेसफुल नहीं होते। एक बहुत बड़ी कंपटीशन क्वालिफाई करके, रिटर्न क्वालिफाई करके बच्चा खुश होता ही है, उसे कहते हैं SSB की तैयारी करो, और वहीं से शुरू होती है असली टॉर्चर। कॉन्फिडेंस नहीं होता उसके लिए, वो शीशे के सामने खड़े होके बोलो, वीडियो बनाओ, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ो, अचानक उसकी डेली हैबिट्स, चीज़ें सब बदलने को लोग कहते हैं। वो लड़का यूट्यूब से लेकर कोचिंगों के चक्कर लगाता है, ऑफलाइन कोचिंग, ऑनलाइन कोचिंग, यूट्यूब सब छानता है, प्रतियोगिता दर्पण को भी नहीं छोड़ता है, SSB क्रैक को भी नहीं छोड़ता है, यूट्यूब के वीडियोज़ भी नहीं छोड़ता है, और ऑफलाइन कोचिंग दिल्ली देहरादून भी नहीं छोड़ता है। अपने पापा को बोलता है, पापा उसके बहुत खुश होते हैं, कहते हैं मेरे बेटे ने क्वालिफाई किया है, वो 100 कोचिंगें पता करते हैं, गूगल भी डालता है बेस्ट कोचिंग, और वहाँ पे जैसा कि आपको पता है नाम कुछ कोचिंगों का ऊपर आता है। बच्चा बहुत खुश होता है क्योंकि रिटर्न क्वालिफाई कर लिया होता है, होना भी चाहिए खुश, पर उस खुशी को वो भूल जाता है, कहता नहीं यार अभी खुश नहीं होते हैं, पहले SSB क्वालिफाई कर लेते हैं फिर खुश होते हैं। चलो कैसे भी करके उसको प्रोसीजर स्क्रीन इन है, PPNDT, OIR, लेक्चर एट, ग्रुप डिस्कशन, सब चीज़ें पता करता है वो क्या होता है। फिर उसको मालूम चलता है कि स्क्रीनिंग में बेटा OIR होता है, पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट होता है, कॉमन ग्रुप स्टोरीज होती हैं, नरेशन होता है, उसके बाद कहीं जाके स्क्रीन इन होता है, फिर कुछ करने को मांगा होता है। तो वो बच्चा कहता है सर स्क्रीन इन हो जाए बस, बाकी सब ठीक है, एटलीस्ट 4 दिन वहाँ रहने मिल जाएगा। फिर लेक्चरेट, ग्रुप डिस्कशन के लिए वो सब छान मारता है, किताबें पढ़ना शुरू हो जाता है, अचानक उसके अंदर से न्यूज़पेपर पढ़ने की चुल्ल सवार होती है उसको, क्योंकि जितने अति ज्ञानी लोग हैं हमारे समाज के, बिना जाने बिना बूझे कि उस बच्चे की क्या है, मेंटल स्टेबिलिटी कितनी है, उसकी मेंटल अडेप्टिवनेस कितनी है,
वो कितना सीख सकता है, वो कितना तैयार है चीज़ों को लेकर, उसकी पर्सनल लेवल पे आते जाने बिना उसे वही समाज का घिसा पिटा ज्ञान कि बेटा ये कर लो ये कर लो ये कर लो। जानते हो दुनिया में सबसे आसान काम क्या है? ज्ञान देना। सब देते हैं, पर एक इंडिविजुअल बच्चे के पास बैठकर उसे समझ के और उसके लिए जो बेहतर है वो गाइड करना, ये बहुत मुश्किल काम है और सबके बस की बात नहीं। और ये तो कोई करता ही नहीं आजकल जो करना चाहिए। अब वो बच्चा लग जाता है उसी दौड़ में, उस दौड़ में दौड़ने से पहले उसे डराया जाता है। कहते हैं बेटा सिर्फ 0.1% लोग ये होते हैं जो रिकमेंड हो पाते हैं, जिनका हो पाता है, बाकी सब तो बाहर हो जाते हैं। तुम्हें इंग्लिश नहीं आती, तुम्हारा नहीं हो पाएगा। अरे तुम तो बोल ही नहीं पाते, तुम तो गिल 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 करते हो, क्या बोल पाओगे? अरे तुम्हें तो नॉलेज ही नहीं है भाई, तू तो 10 पुशअप्स भी नहीं कर पाता, तेरा कैसे होगा? ओ तेरे तो नॉकनीज है, तेरा तो नहीं हो पाएगा, ये वो फलाना ढिमाका, मतलब हर प्रकार का एक्सक्यूज दे दे के दिनों रात उसके कॉन्फिडेंस को तोड़ देते हैं बिल्कुल। अब वो बच्चा मासूम, उसे कुछ नहीं पता, उसे जहाँ से जो ज्ञान मिल रहा है वो उठा रहा है। जैसे बचपन में मैं हमेशा बोलता हूँ कि बच्चे को सेक्स एजुकेशन की नॉलेज उनके पेरेंट्स से मिलनी चाहिए, जो कि अनफॉर्चुनेटली हमारे इंडिया में बहुत कम मिलती है, फिर वो गलत जगह से मिलती है और इसीलिए उसका दुष्प्रभाव होता है। उसी तरह SSB की सही जानकारी ना होना ये इतनी बड़ी समस्या है कि आपको मैं क्या बताऊँ। फिर बच्चा पूरा खुद को उस वर्दी के लायक समझता है और फिर जी जान लगा देता है। मैं दावे से कहता हूँ इतने सारे बच्चे, इतनी सारी मेहनत, ओफो, रिटर्न के बाद SSB के लिए बच्चा उतनी मेहनत करता है कि कहीं अगर उसने रिटर्न में कर लिए होते तो आज अगर 380 बन रहे हो तो 680 बन जाते उसके, पर नहीं। अब उसको दिख गया होता है कि बस यार SSB क्वालिफाई करना है, वो दिनों रात इंग्लिश सीखता है। पर एक चीज़ समझो बेटा, SSB एक ओपन पर्सनैलिटी टेस्ट है। ओपन क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि उसके हर टास्क आपको पहले से पता है, आपको पता है कि लेक्चरेट के टॉपिक्स कौन से हैं, किस पर होगा, क्या बोलना होता है, कैसे बोलना होता है, फिर भी आप नहीं कर पाते क्योंकि ये पर्सनैलिटी टेस्ट है। 18, 19, 20, 22 सालों में आपने अपनी पर्सनैलिटी बनाई है, उसको आप 10 दिन में अचानक नहीं बदल सकते, ठीक है, अचानक नहीं बदल सकते। अभी मैं देख पा रहा हूँ ना, मैं बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो स्क्रीन आउट हुए होंगे, हो रहे हैं, हो चुके हैं। अब एक बच्चा जिसने अपने 2-2.5 महीने पूरी जी जान लगा के SSB की तैयारी करी, फिर पहली बार SSB गया जा रहा था, पूरा सूटकेस भर के वो SSB पहुंचता है और पहले ही दिन आउट हो जाता है। टैट, फैट, SRT, SD, GPE, ये सारे सिर्फ सपने में देखता है वो, देने का मौका भी नहीं मिलता उसको, चला आता है वापस लौट के और समझ नहीं पा रहा होता है कि अब क्या करूं। उसके जितने भी दोस्त होते हैं ना जिनका रिटर्न क्वालिफाई नहीं हुआ होता है या हो गया होता है, उनसे वो कटना शुरू होता है, कहता नहीं यार क्या बात करूं, क्या मुंह लेके बात करूं, लोग हंसी उड़ाएंगे, लोग मजाक उड़ाएंगे। उन टीचरों से भी कटता है, बल्कि टीचर कभी मजाक नहीं उड़ाते बेटा, अगर वाकई में टीचर हैं तो। उन टीचरों से भी बचता है बच्चा, एक खुद को एक अकेले किसी कोने में बैठा लेता है और खुद को बिना किसी के बोले लूजर का एक तबका लगा लेता है। कहता है यार मेरी तो किस्मत ही खराब है, मैं तो ये, फिर नई नई धारणाएं जन्म लेती हैं, जैसे कि SSB सिर्फ जिनके पापा फौज में हैं, जिनके बैकग्राउंड डिफेंस का है उनका होता है, जो कि बिल्कुल कतई गलत है, झूठ है। हमारे यहाँ का जो ऑलरेडी रैंक 4 राहुल था वो सिविलियन बैकग्राउंड का था, और ऐसे बहुत सारे बच्चे मैं लास्ट ईयर्स 2 साल 3 साल 10 साल देख रहा हूँ जो सिविल बैकग्राउंड से थे, तो ये सब नहीं। पर उसके पास अब स्कोप हो गया है, उसके जो सो कॉल्ड अच्छे फ्रेंड हैं जो उससे बात कर रहे हैं, जो कि वो है नहीं फ्रेंड, वो उसको क्या बोलते हैं, भाई तुझे पता नहीं है अब SSB इसके बारे में, उन्हें खुद भी कुछ नहीं पता उसके बारे में, उल्टी सीधी बातें, उल्टे सीधे assumptions उसको बता बता कर उसको ये फील कराते हैं कि तू सही था, वहाँ ऐसा होता है इसलिए तेरा नहीं हुआ। अब एक झूठा फेक मोटिवेशन, pseudo
मोटिवेशन उसके अंदर डेवलप होता है और वहीं से उसका पतन चालू होता है, यानी डिक्रीज होना चालू होता है, जिससे आपको बचने की ज़रूरत है। मैं भी हर एक चीज़ की बात करूँगा, तो बेटा पूरा वीडियो देखना। मैंने फिर से बोला ये वीडियो थोड़ा सा इमोशनल है, क्योंकि ये समस्याएँ मेरे बच्चों की है, मेरे छोटे भाई बहनों की है, तो दर्द भी मैं समझता हूँ, और इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। मैं हर एक बात आराम से करूँगा, बहुत आराम से सुनना। तो सबसे पहली बात, अगर आप SSB फ्रेशर एंट्री जा रहे हो और स्क्रीन आउट हो रहे हो, तो इसमें गलती और सिर्फ एक इंसान की है, वो है आप। सही सुन रहे हैं आप। अभी हो सकता है आप में से बहुत सारे बच्चे मुझे उल्टी सीधी बातें लिखें, मुझे नेगेटिव लिखें, कह नहीं सर आप गलत हो, ये है वो है। आपकी मर्जी बेटा, सच बताना मेरा काम है, वो भी तुम्हारे मुँह पे। क्यों मैं बोल रहा हूँ ऐसा? क्योंकि स्क्रीनिंग के पहले क्या होता है बताओ ज़रा। OIR, ऑफिसर्स इंटेलिजेंस रेटिंग, जो कि बहुत आसान होता है, वर्बल नॉन वर्बल, और क्या होता है PP&DT, पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट। एक पिक्चर दिखाई जाती है, उस पर स्टोरी लिखनी होती है। मैं चैलेंज करता हूँ बेटा आपको, अगर आपने लगातार एक महीना OIR की कोई भी किताब उठाकर जेन्युइनली एक घंटे में प्रैक्टिस की होती विथ टाइम, और PP&DT की अगर आपने कम से कम 50 पिक्चर्स की प्रैक्टिस की होती, खुद स्टोरी लिखे होते, खुद नैरेट किए होते और खुद आपने डिस्कशन किए होते, तो आप आउट हो ही नहीं सकते PP&DT में, यानी स्क्रीनिंग में। मैं TES एंट्री की बात नहीं कर रहा और NCC एंट्री की बात नहीं कर रहा, मतलब टेक्निकल एंट्री और NCC एंट्री की बात नहीं कर रहा, वहाँ तो भगाए जाते हैं, पर बाकी सारी एंट्री में, स्पेशली NDA और CDS की एंट्री में। तो पहली चीज़ तो ये बेटा कि आपने मेहनत ज़रूर करी। मैं नहीं जानता कि आप मेहनत नहीं करोगे, आप मेहनत ज़रूर किए होगे, पर आपने मेहनत बहुत ज़्यादा किया हर चीज़ पर। तो मैं हमेशा बोलता हूँ, ब्रूस ली की एक कोट है कि मुझे तुम्हारे उस 1000 मुँह से खतरा नहीं है जो तुमने एक बार प्रैक्टिस किया है, मुझे तुम्हारे वैसा एक मुँह से खतरा है जो तुमने 1000 बार प्रैक्टिस किया है। तो जब आपको पता है कि पहला टेस्ट स्क्रीनिंग है, तो VAT, TAT, SRT बहुत लगा कर भी आपने क्या उखाड़ लिया जो आपको देने का ही मौका नहीं मिला। तो जिनकी SSB है, मैं उनसे हम्बल रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर 2-2.5 महीने आप तैयारी को दे रहे हो, तो लास्ट एक महीना 4 घंटे पर डे आप सिर्फ और सिर्फ स्क्रीनिंग के प्रोसेस को दीजिए, और मैं यकीन दिलाता हूँ कि आपको कोई भी कभी भी स्क्रीनिंग में दिक्कत नहीं आएगी। और ये मैं तब बता रहा हूँ जब मैंने एक्सपेरिमेंट अपने बच्चों पर किया है और हमेशा सक्सेसफुल रहा है। इसका सक्सेस रेशियो मेरा 100% है स्क्रीनिंग का। पर अब अगर स्क्रीन आउट हो ही गया, अभी मैं वाराणसी सेंटर पे गया था किसी बच्चे के साथ, तो मेरा बच्चा तो अंदर चला गया था, पर बहुत सारे बच्चों को मैंने बाद में देखा, गर्ल्स को बड़े बड़े बैग लिए, सूटकेस लिए, वापस जा रही हैं रोती हुई बिलखती हुई। तो वहाँ पे दो चीज़ें मैं बोलना चाहूँगा, जितने भी कैंडिडेट्स हैं, बॉयज़ हों और गर्ल्स हों, अगर आपको रोना आ रहा है आप ज़रूर रोएं। थोड़ा स्ट्रेंज है बेटा मेरी बातें, मैं वो वाली बातें नहीं करता जो सोसाइटी आपको करती है, नहीं। अगर आपको रोना आ रहा है तो ज़रूर रोएं, बहुत रोएं, 2-3 घंटे समय निकाल के रोएं, पर पूरी ज़िंदगी रोते ना रहें। 2-3 घंटे रो लीजिए, जितना जी खोल के रोना है, और फिर उठिए, मेहनत करिए और अगले एग्ज़ाम की तैयारी करिए। जो ये मेहनत आपने की है इस वाले SSB के लिए, जो आपको दिखाने का मौका भी नहीं मिला, वो मेहनत बेकार नहीं जाएगी, वो अगले में काम आएगी। पर अगर सिर्फ रोते रहे, सिर्फ विक्टिम कार्ड प्ले किया, सिर्फ SSB के बारे में गलत तलत सुन लिया, तो ज़िंदगी में बेटा आप कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। हो सकता है किसी का आप में से ये आखिरी अटेम्प्ट हो और 3 साल के बाद आप CDS के लिए एलिजिबल हो, क्या दिक्कत है? 3 साल मौका मिल रहा है, ज़िंदगी ऐसी जियो कि अगर आप फौज में होते तो क्या करते, उस तरह की लाइफस्टाइल जियो, और CDS पहले अटेम्प्ट में फोड़ दो। किसने मना किया? किसने मना किया? किसी ने मना नहीं किया। स्क्रीन आउट होता है, बच्चा
बहुत टूट जाता है, बहुत टूट जाता है। और सबसे ज़्यादा उसके लिए हार्मफुल वो लोग होते हैं जो बाहर उसको मिलते हैं और नेगेटिवली गाइड करते हैं, यहाँ पे ऐसा ही होता है, ये सेंटर नहीं है, ये रिजेक्शन सेंटर है, और ऐसी बहुत सारी बातें नेगेटिवली। प्लीज़ डोंट लिसन दीज पीपल। बहुत लोग टॉक्सिक हैं और उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता बेटा कि आप कैसे सोचते हो, उन्हें तो कुछ बोलना है, वो बोलने के लिए बोलते हैं। प्लीज़ डोंट लिसन, आपकी ज़िंदगी है, डिसीजन आपका है ना। स्क्रीन के बाद बात करते हैं कॉन्फ्रेंस की। जब बच्चा कॉन्फ्रेंस आउट होता है तो उसको एक सेटिस्फैक्शन तो ये रहता है कि एटलीस्ट 5 दिन में रहा, 5 दिन मैंने पूरा एक्सपीरियंस लिया और ये 5 दिन मेरे बहुत यादगार हैं सर, मेमोरेबल है और ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे, ये सब बोलते हैं। पर असली ट्रैप शुरू होता है उसके बाद। बताओ, जब आप SSB से कॉन्फ्रेंस आउट होते हो तो समस्या बहुत बड़ी शुरू होती है। समस्या क्या पता है? आप कॉन्फ्रेंस आउट होते हो, उसमें कुछ छोटी सी मोटी सी गलती होती है आपकी, पर अनफॉर्चुनेटली UPSC का ऐसा ट्रेंड है, SSB सेंटर का ऐसा ट्रेंड है, वो गलती आपकी नहीं बताते आपको, आपको खुद सोचनी होती है। पर अब आप यहाँ एक ट्रैप में फंसते हो, उस ट्रैप को बहुत ध्यान सुनना। हर वो बच्चा जो SSB से कॉन्फ्रेंस आउट होता है एक ट्रैप में हमेशा फंसता है, और इस ट्रैप में आप ना फंस जाओ इसलिए इन बातों का बहुत ध्यान रखना। जब SSB से कॉन्फ्रेंस आउट बच्चा होता है, बाहर निकलता है, पेरेंट्स को, टीचर्स को एक दो खास दोस्त होते हैं, सबसे पहले उनको इन्फॉर्म करता है या वो पूछते हैं क्या रहा, तो बच्चा बोलता है कॉन्फ्रेंस आउट हो गया। बच्चा अभी पूरा टूट गया होता है क्योंकि चेस्ट नंबर जब बुलाया जाता है, सपोज मेरा चेस्ट नंबर 24 है, जब आखिरी में बुलाते हैं तो ऐसे बुलाते हैं, चेस्ट नंबर 2, चेस्ट नंबर 34, चेस्ट नंबर 49, चेस्ट नंबर 63। आप कब चले गए आपको पता भी नहीं चला, ये होता है। आपका तो लगता है यार भूल कैसे गए, मेरा नाम कैसे नहीं आया, मैंने तो सब अच्छा किया था। वहाँ से शुरू होती है भाई साहब सेल्फ डाउट, और सेल्फ डाउट क्या है यार, तोड़ देती है आपको, बिल्कुल तोड़ देती है आपको। जिस इंसान को सेल्फ डाउट हो जाए ना, उस इंसान को बर्बाद करने के लिए कोई ज़रूरत, किसी और की ज़रूरत नहीं है, खुद को बर्बाद कर देगा, ये होता है। तो अगर एक इंसान को सेल्फ डाउट हो जाए वो ख़त्म है, और यही होता है SSB कॉन्फ्रेंस आउट के बाद। अब बच्चा तो हीरो है ना अपने पिक्चर में, बच्चा क्यों बोलेगा कि मैं विलन हूँ। पहली गलती उसकी कि कॉन्फ्रेंस आउट होते ही उसे किसी से बात करने की ज़रूरत नहीं थी, उसे चाहिए था कि day 1 से लेकर day 5 तक जो जो टास्क हुए और उसने जैसे जैसे किया और जो भी उसको लगा रियल में वो लिख ले कॉपी में, पर वो ये नहीं करता। वो बस वही टुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। मम्मी को फ़ोन करता है, मम्मी पता नहीं क्या चक्कर है, पापा पता नहीं कैसे हो गया, इन लोग कुछ गलत करते हैं, सिर्फ 6 लोग का हुआ मम्मी पापा, यार पता नहीं मेरी किस्मत फूटी है। आई ऑलवेज देयर फॉर यू टाइप के लोग आपके सामने आते हैं, किसी की गर्लफ्रेंड किसी का बॉयफ्रेंड, और फालतू की ज्ञानबाजी और मोरल बूस्टिंग होती है, और ज्ञान उसकी अगली बार कर लेना बेटा अगली बार कर लेना। फिर उसके बाद आप जितने लोगों से मिलते हो SSB का अपना वर्जन सुनाते 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 1 हफ्ते के बाद आप वो बातें बता रहे होते हो दूसरों को, आपके SSB में वो हुआ जो हुआ भी नहीं था। पर आपको बनना है हीरो, आपको बनना है हीरो। तो वही सब हुआ जो मुझे लगा, और यहीं से आपका डिग्रेडेशन चालू होता है। आप में कोई छोटी मोटी गलतियां हो सकती हैं, एरर्स होगी जिस पर आप काम करते हैं, और आई एम श्योर कि आप अगली बार रिकवर हो जाते हैं। पर आपने क्या किया, आपने तो बनना है हीरो, आपने अपने मन से सब मैं तो अच्छा ये कर करके सबको कहानी सुनाई, और सबने अपने अपने मन से आपको जज करना शुरू कर दिया। किसी ने कहा तुम्हारा GTO नहीं सही हुआ, किसी ने कहा तुम्हारा TAT नहीं सही हुआ, किसी ने कहा तुम्हारी SRT नहीं सही, ये सही वो नहीं सही। अब आप डाउट करना शुरू करते हो, और जो जो किया सब पे डाउट करते हो फिर, और फिर जब प्रिपरेशन करते हो SSB की अंदाज भी करते हो, सब बदल देते हो,
तो क्या आपने पूरी एसएसबी तेरी गलती इसकी थी? ऐसा नहीं था, पर आपने अब बेकार काम करना शुरू कर दिया है, समझ रहे हो? इस ट्रैप से बचो बेटा, इस ट्रैप से बचो। दूसरी बात, आफ्टर एसएसबी कॉन्फ्रेंस आउट, आई रिक्वेस्ट यू, तुम्हारे पास एक मेंटोर होना चाहिए। यू नीड वन मेंटोर जो तुम्हें तुम्हारे मुंह पे सच बोलने की हिम्मत रखता हो, जो तुम्हें आईना दिखाने की हिम्मत रखता हो, जो झूठे तुम्हारी तारीफ ना करे, जिसको जेन्युइनली तुम्हारे सक्सेस और फेलियर से इंटरेस्ट हो, जो मॉनिटरी पॉइंट ऑफ व्यू से तुमसे ना जुड़ा हो, इमोशनली ग्राउंड पे जुड़ा हो। मैं बहुत सारे बच्चों के इमोशनल ग्राउंड पे जुड़ा हुआ हूँ, मैं अपने सारे बच्चों के इमोशनल ग्राउंड पे जुड़ा हुआ हूँ। मैं उनको वही फीडबैक देता हूँ जो उनके लिए सही है, वो फीडबैक नहीं जो उनको सही लगे। मैं वो नहीं बोलता जो उनको सुनना चाहिए, जो उनको सुनने में अच्छा लगे, मैं वो बोलता हूँ जो उनके लिए सही होता है। आपके पास भी एक गुरु, एक ऐसा मेंटोर ज़रूर होना चाहिए जो आपसे सच बोलने की हिम्मत रखे। इस वक्त पूरे भारत में एसएसबी को एक प्रोफेशनल कोचिंग 15 दिन 18 दिन की देने लग गए सब लोग, बहुत देते। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, और किसी को अगर हेड हर्ट हो इस वीडियो से तो आई एम सॉरी, बट उस प्रोफेशनलिज्म के चक्कर में बच्चे से 1-to-1 कोई इंटरेक्ट नहीं करता, कोई नहीं करता, ना टाइम है उनके पास, ना दे आर मेकिंग मनी, और बुरी बात भी नहीं है। पर ये बात आपको समझनी पड़ेगी बेटा, ये बताओ क्या बुखार, सरदर्द, लूज मोशन कुछ भी होता है तो तुम एक ही दवा खाते हो? नहीं खाते हो, अलग अलग खाते हो। उसी तरह हर एक बच्चे की इंडिविजुअल पर्सनैलिटीज़ अलग अलग होती हैं, उसके रिस्पॉन्सेज अलग अलग होते हैं। बिहार का बच्चा, हरियाणा का बच्चा, यूपी का बच्चा जब अलग अपब्रिंगिंग में बड़ा हुआ है तो उसके रिस्पॉन्सेज अलग अलग होंगे। पर आप लोग क्या कर रहे हो? सेम रिस्पॉन्सेज, सेम चीज़ें। अरे बाबा, उनके पास 4.5 साल है, वो तुम्हें इंग्लिश भी सिखा देंगे, वो तुम्हारे अंदर करेज भी डेवलप कर देंगे, वो तुम्हें सब सिखा देंगे, पर उनका सिर्फ एक चीज़ चाहिए, तो सच तो बोल, झूठ क्यों बोल रहा है? वो बच्चा झूठ नहीं बोल रहा होता है, बच्चे ने याद कर ली होती है, जो कि कोई कोचिंग वाला नहीं बोलता। मैं किसी कोचिंग को ब्लेम नहीं करूँगा, सब कोचिंग वाले बोलते हैं कि आप अपनी स्टोरी लिखिए, पर बच्चा आजकल ढूंढता है शॉर्टकट, बच्चा आजकल ढूंढता है शॉर्टकट। वो किसी किताब से उठा लेगा, किसी टेलीग्राम के सो कॉल्ड ग्रुप से स्टोरीज उठा लेगा, वैट उठा लेगा, और बस वहीं पे उसका मामला गड़बड़ा जाता है, जो आपको नहीं करना है। कॉन्फ्रेंस आउट होने के बाद आई हैव सीन सो मेनी स्टूडेंट्स जो 6 महीने बिल्कुल डिस्परेशन से तैयारी तो करते हैं, पर खुद को इतना ज़्यादा ब्लेम कर लेते हैं, खुद की हर चीज़ पे शक कर देते हैं कि वो अपना बेस्ट पोटेंशियल दे ही नहीं पा रहे होते हैं। बेटा, ये लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत प्रेशियस है, इसकी वैल्यू करो, अपनी स्किल्स बढ़ाओ, अपनी चीज़ों को अपग्रेड करो, खुद को एकदम डिटेरिएट मत कर दो। कई बच्चे मैं देख रहा हूँ आज वक्त डिप्रेशन में शिकार हो जा रहे हैं आफ्टर कॉन्फ्रेंस आउट और आफ्टर फेलियर और रिजेक्शन। क्या है यार, क्या कर रहे हो? ऐसे कैसे काम चल पाएगा? फिर तो मैं बोलता हूँ कि अगर आप इस तरह के हो तो अच्छा ही हुआ आपको नहीं लिया गया, बिकॉज आप वहाँ तो फिर आपके हानिकारक होते हैं देश के लिए, सेना के लिए। ये सब मत करो, डोंट डू दिस। मेडिकल आउट, मेरिट आउट, I have seen so many students medical out, merit out. भाई साहब, इतनी पास आकर जब आप मिस करते हो चांस ना, उसका पेन ही अलग है। कई बच्चे बोलते हैं कि सर क्या हो गया सर, मेरिट इन नहीं हो पाए तो, पर इतना तो किए तो इन लोग खुश होना चाहिए। नहीं बेटा, जब आप अपनी मंजिल की इतनी पास होते हो और आपको मंजिल आपकी आँखों के सामने दिख रही होती है और फिर भी आप उसको नहीं पाते हो, तो दुख का नहीं, दुखों का पहाड़ टूटता है। पर एक बात मैं हमेशा बोलता हूँ बेटा, अगर आपके मन की हो जाए तो अच्छा है, पर अगर आपके मन की ना हो तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि फिर वो भगवान के मन की होगी और वो आपके लिए आपसे बेहतर ज़रूर सोच के रखे होंगे। मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक बार UPSC, NDA, SSB की तैयारी ज़रूर करनी चाहिए बच्चे को, जुट कर करनी चाहिए 3 महीने, क्योंकि उसे
पढ़ना, उसे लिखना, उसे बात करना, उसे तरीके आ जाते हैं। कंडीशन है सही जगह से किया हो तो, सही जगह से किया हो मतलब खुद सेल्फ भी किया है अगर उसने तब भी। तो पहली चीज़ तो बेटा खुद को आइसोलेट मत करो, ये फेलियर नहीं है, ये स्टेपिंग स्टोन ऑफ सक्सेस है। अगर आपके पास और SSBs हैं या भविष्य में आएंगी तो भगवान को देखो, थैंक यू बोलो और खुद को अब हर दिन इतना अपग्रेड करो, इतना अपग्रेड करो कि जब अगली SSB आए तो फोड़ के आ जाओ। हो सकता है आप में से कोई ऐसा भी हो जो ये वीडियो देख रहा हो उसका NDA का आखिरी अटेम्प्ट हो CDS में आना। 3 साल कब गुजर जाएंगे पता नहीं चलेगा बेटा। आप लोग ने एक वीडियो भी देखा होगा आदित्य का, जिसका NDA से कॉन्फ्रेंस आउट हो गया था बट फिर CDS FCAT से रिकमेंड हुआ 7 जनवरी, जो अभी कुछ दिन पहले गई है, उसकी ज्वाइनिंग थी। तो करने वालों को तरीका मिल जाता है और नहीं करने वालों को बहाना।